कांकेर से खबर है जहां पे नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा में एनआईए की छापेमारी। स्थानीय युवक के घर पर एनआईए की दबिश जारी है। जिले के नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा में एनआईए की दबिश। स्थानीय युवक के निवास पर यह छापा पड़ा है। जिले की पुलिस की टीम मौजूद है। फिलहाल नहीं दी जा रही जानकारी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है पूरा मामला, पूरा इन्वेस्टिगेशन। नक्सल मामलों में लगातार एनआईए दबिश दे रही है। नक्सल प्रभावित इलाका है आमाबेड़ा, यहां पर देखिए स्थानीय युवक के घर पर एनआईए की टीम दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन देखिए एनआईए की दबिश के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। नक्सली के खात्मे के लिए एक के बाद एक तमाम कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में तमाम एजेंसियां भी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। एनआईए की टीम ने कांकेर के आमाबेड़ा, ये इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, यहां पर एक शख्स के घर पर दबिश दी है। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, कांकेर का आमाबेड़ा जो कि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, यहां पे एक घर के, एक युवक के घर में दबिश दी जा रही है एनआईए की तरफ से। कब से ये दबिश दी जा रही है और अभी तक क्या जानकारी, क्या इनपुट्स इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर? देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार जो है एनआईए की टीम सक्रिय हो गई है और लगातार जो बस्तर के इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, इस इलाकों में दबिश दे रही है। आज तड़के सुबह जो है ये खबर निकलकर सामने आई कि आमाबेड़ा इलाके में एनआईए की टीम पहुंची है। स्थानीय पुलिस की मदद के माध्यम से वहां पर एक घर जो की स्थानीय पत्रकार का बताया जा रहा है, स्थानीय युवक का बताया जा रहा है, उसके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो सूत्रों के हमारे से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अलग अलग तीन और जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर वो टीम कहां पर मौजूद है, लेकिन आमाबेड़ा में वो टीम अभी मौजूद है। आपको बता दें कि घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। लगातार एनआईए की टीम नक्सल मामलों को लेकर जांच कर रही है। पहले भी हमने देखा था कि आमाबेड़ा के कई ऐसे इलाके थे जहां पर कुछ लोगों को पकड़ने की बात सामने आई थी, कुछ लोगों से पूछताछ की बात सामने आई थी। इसके पहले भी कोयलीबेड़ा के इलाके में भी दबिश दी गई थी। ये नारायणपुर जो कांकेर जिले से लगा हुआ इलाका है वहां पर भी एनआईए की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की थी। तो लगातार जो एनआईए की टीम है सक्रिय है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि एनआईए की टीम ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह भी बताया था कि किस तरह से जो है नक्सल मामलों में संलिप्त है लोग, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ये बड़ी बात सामने आई है कि लगातार जो है एनआईए की टीम पहुंची हुई है और नक्सल मामले ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के गहन मामलों को लेकर जो है पुलिस लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पे ताबड़तोड़ पुलिस के साथ साथ सरकारों के साथ साथ एजेंसियां भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस शख्स के घर में ये कार्रवाई जारी है उस शख्स का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए वो फिलहाल स्थानीय पत्रकार बताया जा रहा है और आमाबेड़ा का ही स्थानीय पत्रकार है। इसके अलावा जो अन्य है उनकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। मामला क्या है फिलहाल हमने जब जानने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। स्थानीय पुलिस से भी हमने संपर्क किया, वो भी कह रहे हैं कि हम फिलहाल अभी कोई इनपुट हमारे पास नहीं है। और हमने जब वहां पर एक स्थानीय पत्रकार से माध्यम से संपर्क किया तो किसी भी तरह से फुटेज लेने से भी हमें मना किया जा रहा है, ये जानकारी निकल गया है। ये जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जो है वस्तु स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। शुक्रिया नीरज तिवारी विस्तार से जानकारी देने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।